नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स मीडिया। हिंदी टाइम्स मीडिया जो दे आपको देश विदेश की हर खबर। इस वक्त खड़े हुए हैं हम चंडीगढ़ में मौसम विभाग में, और जैसे कि हम आपसे बात करें कि मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, इस समय हमारे साथ मौसम विभाग के अफसर मनमोहन सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी आने वाले समय में, यानी मौसम कैसा रहेगा, कैसी हवाएं रहेंगी, कैसा बारिश रहेगी, उसके बारे में? हाँ, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में लास्ट 24 आवर में बारिश भी हुई है। पंजाब में काफ़ी जो जगह पे बारिश रही और हैवी बारिश भी रिपोर्ट हुई है, और हरियाणा में भी जो है वो स्कैटर प्लेसेस पे बारिश हुई। तो जो आने वाला समय होगा इसमें भी जो बारिश रहेगी, अगले 5 दिन तक बारिश हो सकती है। इसके लिए वार्निंग भी इशू की हुई है, जो कि आज और कल तो जो बारिश है वो फेल बेडस्पेड एरिया पर रहेगी, मैनी प्लेसेस रहेगी। उसके बाद मतलब जो अपना 17-19 तारीख को जो है वो स्कैटर प्रेशर पे बारिश रहेगी, और दोनों स्टेटों में जो बारिश है वो हो सकती है, और साथ में ही जो टेम्परेचर है दिन के जो तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें भी जो गिरावट रहेगी। अभी जो WD है इसका जो अपने नॉर्थ पाकिस्तान और जानिंग एरिया पे है, लेकिन एक जो विपर्यय जो साइक्लोन है जो कि अभी राइट नो जो वहाँ पे जो अरब सागर नॉर्थ जो अरबियन सी के ऊपर है, गुजरात और जो गुजरात और जो अपना साउथ पाकिस्तान है उसके पास अभी प्रोसेस कर रहा है, उसकी वजह से मतलब जो है साउथ वेस्टर्ली विंड चली हुई है, साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग विंड जो कि WD को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो आने वाले समय में बारिश होगी। सर कैसे क्या कहेंगे कि जो अभी पर जो है तूफान की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे पल पल की खबर आप रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर हमें कितना नुकसान देखना पड़ सकता है? अभी जैसे कि जो अभी जो अपना साइक्लोन है आप देख सकते हैं कि जो ये आज जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से बुलेटिन इशू किया है, ये अपने जो गुजरात का जो कोस्ट है उसमें जो गुजरात कोस्ट और पाकिस्तान जो कराची है उसके बीच में से क्रॉस कर सकता है, और इसका जो इफ़ेक्ट अगर हमारे एरिया में देखें तो आने वाले समय में जो ज़्यादा मतलब जो अपने जो बारिश है वो थोड़ी होने की प्रोबेबिलिटी रही, खास करके जो साउथ जो इलाका है साउथ हरियाणा में जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और उसके बाद जो अपना पंजाब का एरिया देखें तो पंजाब में भी जो बारिश है वो होगी। सर जैसे कि तूफान की बात कर रहे हैं, चक्रवाती तूफान की बात करें कि गुजरात में भी कह रहे हैं कि वो काफ़ी नुकसान देखने को मिला, और कहते हैं 7 जिलों में यानी हाई अलर्ट कर दिया, राजस्थान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, मतलब ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है जो कि जिसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी तीव्र हो सकता है यहाँ पे जो गुजरात का एरिया, जहाँ नॉर्थ गुजरात और साउथ जो राजस्थान का एरिया है, तो हमारा डिपार्टमेंट हर घंटे बाद जो है इसके लिए बुलेटिन जो है इशू कर रहा है। सो धन्यवाद मनमोहन सर, आपने हमें इसकी जानकारी दी, थैंक यू। ओके, शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के ऑफिसर मनमोहन सिंह, जिन्होंने बातचीत की उस तूफान के बारे में कि कितना जो नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है, और आने वाले समय में बताया कि कितना मौसम ख़राब रहेगा और कितनी बारिश रहेगी। तो कैसी लगी बातचीत हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पल पल की खबर आपको बहुत जल्दी मिलती है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अमित के साथ सोनू जांसला की रिपोर्ट, चंडीगढ़।